जय हिंद फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मौर्या स्नैक्स। और आज की रेस्क्यू कॉल है गोंडा जिला के रामापुर भैंसा गांव से। मौका पे हम पहुंच चुके हैं। यहां पे कोई स्नैक दिखा, बता रहे हैं कि काले में व्हाइट व्हाइट पट्टी है, हो सकता है कि वो इंडियन कॉमन करैत स्नैक हो। मौका पे हम पहुँच चुके हैं, स्नैक को रेस्क्यू करते हैं। रेस्क्यू करके इन्हें सुरक्षित फॉरेस्ट में रिलीज कर दिया जाए, जहाँ पर अपना जीवन आसानी से व्यतीत करेंगे, इंसानी बस्ती से दूर हट करके निर्जन क्षेत्र में। और इन्हें हम रेस्क्यू करते हैं और इन्हें पैक किया जाता है। भाई साहब के बताने के मुताबिक इस गड्ढे के अंदर कोई स्नेक देखा गया है। ग्लव्स लगाना कि पूरा दिन पकड़ लेंगे। अगर किसी को काट लेते हैं, व्हाइट ले लेते हैं, तो आप तत्काल हॉस्पिटल की तरफ जाइए। झाड़ फूंक करने में ना फंसे, क्योंकि झाड़ फूंक के चक्कर में मौत हो जाती है। अरे और इन्हें ले चलते हैं, पैक करते हैं और इन्हें ले चलेंगे फॉरेस्ट की तरफ। और हम स्नेक को प्राकृतिक परिवेश नेचर में रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। स्नेक रेस्क्यू हुआ गोंडा जिला के रामापुर भैंसा गांव से। जगदीश सोनकर के यहां से रात में 2:30 बजे स्नेक रेस्क्यू हुआ, जो कि भारत का सबसे जहरीला स्नेक, इंडियन कॉमन करैत स्नेक। और ये स्नेक रेस्क्यू हुआ रात्रि के, जो कि इंसान को मौत के घाट उतार देते हैं, प्राय खाट बिस्तर पर चढ़ के काटते हैं। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत फॉरेस्ट है। ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है और यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करके आसानी से जीवन व्यतीत करेंगे, इंसानी बस्ती से दूर हट करके, क्योंकि इनका वास्तविक घर फॉरेस्ट ही होता है, इंसानी बस्ती नहीं होती। और इन्हें हम फॉरेस्ट में रिलीज करते हैं और यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करके अच्छा जीवन जियेंगे, हम यही कामना रखते हैं। बाकी इनका लाइफ क्या है वो तो समय बताएगा। सही बताए दो मुहा। अच्छा, देश ये भारत के सबसे जहरीले स्नेक है, जो कि भारत में होने वाली ज्यादातर मौतों के 50% मौत के जिम्मेदार ये होते हैं। इंडियन कॉमन करैत, इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, यही वो दो जहरीले स्नेक हैं जो कि भारत में होने वाली 75% मौत के जिम्मेदार होते हैं। आप देख सकते हैं, इन्हें आप अच्छी प्रकार से पहचान लीजिए। और ये रात्रि में एक ही जगह रेस्क्यू हुए और खास करके नाइट में ही शिकार लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने आक्रामक हैं, कैसे अटैक ले रहे हैं। व्हाइट देने के चक्कर में है, और ये दोनों एक ही जगह रेस्क्यू हुए। ये काफी आक्रामक हैं, ये रुकना नहीं चाहते और हम इन्हें रिलीज करने के ही लिए आए हुए हैं। किंतु आप इन्हें पहचान लीजिए, अगर ऐसे स्नेक काटते हैं तो आपको झाड़ फूक नहीं करवाने जाना है। जितना जल्दी हो सके आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, क्योंकि वहां पर इनका एंटीडोज उपलब्ध होता है। आपको झाड़ फूक में नहीं फंसना है, झाड़ फूक के चक्कर में आपकी मौत हो जाएगी। आप देख सकते हैं, ये भारत के सबसे जहरीले स्नेक हैं, जिन्हें कि इंडियन कॉमन करैत नाम से जाना जाता है। ये कितने खूबसूरत, कितने प्यारे हैं। जितने ही ये खूबसूरत हैं, उतने ही ये पावरफुल जहरीले हैं।
इन जीवों को बचाने का कार्य करते हैं, इसलिए इनके साथ थोड़ा मौज मस्ती भी कर लेते हैं। काटा कैसे है वो? ये काटता है सर, लेकिन ये जो जगह दिख रही है निर्जीव दिख रही है, इसलिए वाइट नहीं ले रहा है। अभी ये हाथ पा जाए तुरंत वाइट ले लेगा। ये समझ रहा है कि जो जीव हमारे जो वस्तु हमें दिख रही वो निर्जीव है। आप देख रहे हैं कि इसने एक बिल में जा रहा है और वो बिल पर्याप्त नहीं थी, इसलिए वापस आ गया और हम दोनों को रिलीज करते हैं, क्योंकि ये दोनों स्नेक एक ही साथ रेस्क्यू हुए थे और इन्हें हम दोनों को एक ही साथ रिलीज करते हैं। ये अपने प्राकृतिक परिवेश में जाएं। आप देख रहे हैं स्नेक कितना खूबसूरती के साथ जा रहे हैं। दोनों स्नेक एक ही जगह से रेस्क्यू हुए हैं और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। हो सकता है कि भगवान की कृपा से इनकी दोस्ती बिछड़े ना, इनकी दोस्ती बरकरार बनी रहे। ईश्वर की कृपा होगी तो ऐसा ही होगा कि ये लोग एक ही साथ रहेंगे, क्योंकि ये काफ़ी समय से रह रहे थे एक ही साथ। जगदीश भाई ने बताया था कि इसने हमारे घर में 3 महीना से रह रहे हैं, एक ही साथ रहते हैं, एक ही साथ निकलते हैं और शिकार करते हैं, और दोनों इसने एक ही दिशा में जा चुके हैं। हमारा जंतु बचाने का कार्य अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक लाइक बनता ही है, और कृपा करके कमेंट करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना कीमती समय देकर के इस एपिसोड को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।